असलम दोस्तों, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ दोस्तों खैरियत होंगे। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे कि इस मौसम में जो है ना नजला, जुकाम, खांसी और गले की खराश के लिए कौन सा सिरप जो है ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और खुश खांसी दोस्तों इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए दोस्तों आपने ना कौन से सिरप का इस्तेमाल करना है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दें। ठीक है दोस्तों, बात हो रही थी कि दोस्तों की जो है ना इस मौसम में जो है बहुत ज़्यादा जो है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार हो रहा है। कुछ खांसी की दोस्तों शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है इस मौसम में, तो इसके लिए आपने कौन से सिरप का इस्तेमाल करना है, जो कि क्या कहते हैं दोस्तों का आप जो है ना थोड़ी ही दिनों में, एक या दो दिन में जो है ना आपको वो जो खांसी का जो शरबत सिरप है वो जो है ना आपको रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। यानी कि दोस्तों उसके लिए आपके लिए कौन सा वो बेहतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, मेरे पास पर दोस्तों रेल्टस डीएम सिरप पड़ा है दोस्तों, फॉर्मेटिक कंपनी का है दोस्तों ये रेल्टस डीएम है सिरप। दोस्तों ये आपने दो चम्मच सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, रेल्टस डीएम सिरप है ये, आपने 7 डेज के लिए आपने इस्तेमाल करना है। और अगर आपकी छाती खराब है, नज़ला है, जुकाम है, गले में खराश है, तो क्या कहते हैं दोस्तों ये खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो इससे काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो इसके साथ साथ आपने कौन सी टैबलेट का इस्तेमाल करना है जिससे जो है ना अगर आप खांसी है, खुश खांसी है, तो उसके दोस्तों आपने कौन सी टैबलेट का इस्तेमाल करना है। दोस्तों उसके टैबलेट आपने जो है ना मोंटिका 10 mg का इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, मोंटिका 10 mg आपको दोस्तों स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो मोंटिका 10 mg आपने टैबलेट का इस्तेमाल करना है। ये दोस्तों मोंटिका 10 mg है, 10 mg वाली है। तो अगर क्या कहते हैं 20 ईयर से अबव हैं तो वो 20 10 mg के टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर दोस्तों क्या कहते हैं 15 ईयर से क्या कहते हैं कम उम्र है किस दोस्त की, तो आपने मोंटिका 5 mg वाली इस्तेमाल करनी है। ये रात को सोने से पहले दोस्तों 7 डेज के लिए आपने इसका कोर्स करना है, तो इंशाल्लाह खुश खांसी भी ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। और क्या कहते हैं दोस्तों, अगर आपकी चेस्ट इन्फेक्शन है, छाती ख़राब है, तो इससे भी काफ़ी इंशाल्लाह तबीयत नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।